रात जब हमें एक्सीडेंट हुआ है इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने मौके का निरीक्षण किया हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने। हमने डॉक्टर से बात करी जिन्होंने उनका इलाज किया था। हमने डॉक्टर्स के आज सुबह कोर्ट से उनका पोस्टमार्टम करवाया। परिवार के लोगों से भी बातचीत करी है, जो उनकी कोर्ट पैसेंजर थी रीना उनसे भी बातचीत करी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मैटर है और उन्हीं धाराओं में जो परिवार ने स्टेटमेंट दी है हमने FIR रजिस्टर की है। ड्राइवर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारी टीम प्रयासरत है कि उसको जल्दी ही नैब करके आगे की पूछताछ करके इसको केस को फाइनलाइज करें। सर, क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है और गाड़ी के अंदर से क्या? गाड़ी के अंदर हमें उनका सामान वगैरह जो रूटीन में है वो मिला है, उनके मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं और उसके अलावा हमें एक लीकर की बॉटल मिली है जो पार्शली कंज्यूम्ड है और उसको हमने अपने पोजेशन में लिया है और बिस्तरा सैंपल और बाकी चीज़ें उनकी ली गई हैं और FSL में उनका एनालिसिस के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी फर्दर का। इनिशियल स्टेज पर सर नहीं पता लगी थी या नहीं? क्योंकि उनकी ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंचने पर डेथ हो चुकी थी तो डॉक्टर्स या मेडिकल फ्रेटर्निटी इस पोजीशन में नहीं है कि ये डिस्क्लोज करने के लिए, वो FSL की रिपोर्ट के बाद ही। सर, उनके साथ जो को पैसेंजर थी उनका क्या कहना है, उनके साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उनकी को पैसेंजर का यही है कि हम गुड़गांव से निकले थे, लुधियाना जाना था जहाँ पर इनका घर और रास्ते में इन्होंने बादली टोल से KMP पर लगभग 7:15 के करीब ये इन्होंने KMP पर चढ़े हैं और उन्होंने पार्शली डोज कर रखा था क्योंकि वो 13 फरवरी को ही वहाँ USA से आई थी तो वो कह रही है मेरे को जेट लैग भी था और बाकी जो टाइम जोन डिफरेंसेस होते हैं। और दीप सिद्धू की उन्होंने आवाज़ सुनी है और जब उन्होंने अपनी उनकी आँख खुली तो एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने जो रिलेटिव्स थे या उनके नोन लोग थे उनको कॉल्स करी हैं और टोल की टीम ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है और ये उन्होंने अभी तक। सर, गलती किसकी? देखिए, ट्रक ड्राइवर के लिए हमारी टीम प्रयासरत है, हमें उम्मीद है कि जल्दी वो हमारी कस्टडी में होगा, वो आइडेंटिफाई हो चुका है और एज वी स्पीक वी आर कंडक्टिंग रेड्स अक्रॉस वेरियस प्लेसेस और उसकी पूछताछ के उपरांत इसको पूरी को खुलासा कर दिया। सर, कोई आई विटनेस तक हमारे सामने कोई भी आई विटनेस नहीं आया अभी तक। हमें एक CCTV फुटेज मिली है बादली टोल की जिसमें उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी ने लगभग 7:15 KMP पर आया।